हरी भरी घाटियों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से उपजाऊ मैदानी इलाकों तक को अपने आंचल में समेटे अपनी भौगोलिक विविधता के लिए विख्यात लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला मंडी। सतलुज और व्यास जैसी प्रमुख नदियों और अनगिनत छोटे बड़े स्रोतों से जीवन जल प्राप्त करता हिमाचल प्रदेश के हृदय स्थल में स्थित लगभग 7 लाख की आबादी का जिला मंडी। आय के मुख्य साधन खेती और पशुपालन, कुछ छोटे मोटे घरेलू धंधे, सुंदर, मेहनती और मिलनसार लोग। वर्ष 1990 अर्थात अब से लगभग 10 वर्ष पूर्व मंडी की पर्वतमालाओं, इसके सीढ़ीदार खेतों से, चीड़ और देवदार के वनों से, सेबों के बागानों से, गेहूं और धान की लहलहाती बालियों से, हरी भरी घाटियों से कुछ आवाजें आने लगी, कुछ अनसुनी सी आवाजें। अलसाई से शांत पड़े कच्चे पक्के ऊंचे नीचे बल खाते हुए रास्तों पर और अधिक चलते हुए छोटे बड़े राजमार्गों पर दूर दूर तक छितरे गांवों में कुछ हलचले होने लगी। मंडी के लोगों के लिए ये सब नया था, ये हलचले, ये आवाजें। हजारों युवक युवतियों ने, बुद्धिजीवियों ने प्रण किया था, विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों ने संकल्प किया था, वे एकजुट होकर सपनों के सफर पर निकल पड़े थे, वे सब साक्षरता का अलख जगाने निकल पड़े थे, उनका लक्ष्य मंडी को पूर्ण साक्षर बनाना था। पर सदियों पुरानी जड़ता को तोड़ना आसान नहीं होता। साक्षरता के संदेश को घर घर पहुंचाने, इस अभियान में सभी को जोड़ने, उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए तरह तरह के उपायों का सहारा लिया गया। साक्षरता अभियान को लोगों की जिंदगियों से जोड़ा गया। आजादी की दूसरी लड़ाई छिड़ गई। हर दिन एक नई छोटी मोटी ही सही सफलता का होता, हर दिन कुछ ना कुछ हासिल होता, अभियान के हर लक्ष्य को नजदीक लाता। युगों युगों से निरक्षरता और अज्ञान के चंगुल में फंसे आम लोगों के इतिहास में 5 वर्ष का समय बहुत छोटा होता है, पर इस छोटे से दौर में ही मंडी के अनपढ़ गरीबों का मानो कायाकल्प हो गया। जिले के लगभग 1.25 लाख निरक्षरों के सामने एक नई दुनिया खुल गई। उन्होंने पहली बार कलम पकड़कर कागज पर अपनी पहचान अंकित कर दी। अभियान से जुड़े हजारों युवाओं को महसूस हुआ कि उन्होंने कुछ सार्थक हासिल किया है। गांव-गांव में एक नई तरह का नेतृत्व उभर कर आया। 1992 से ही इस अभियान से जुड़ी हूँ, तो पहले तो मेरा जो था सिर्फ एक महिला मंडल तक ही सीमित था। पहले मैं महिला मंडल की प्रधान रही, उस नाते साक्षरता अभियान में जुड़ी, तो पहले अक्सर सैनिक रही अपने वार्ड में, उसके बाद कार्य किया, फिर महिलाओं ने मुझे आगे लाया, तो मैं पंचायत के इलेक्शन चुनाव हुए उसमें मैं विजयी रही महिलाओं की भागीदारी से, तो अब पंचायत प्रधान बनी हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि पढ़ना लिखना सीखने सिखाने का एक माहौल बन गया। लाखों निरक्षरों में दुनिया को नए ढंग से देखने की, समाज में अपना नया स्थान बनाने की जबरदस्त ललक पैदा हो गई। पहले महिलाओं को जानकारी नहीं होती थी ना किसी भी काम के बारे में, जैसे कैसे काम कराना है या कुछ है। अब जो है वो महिलाओं को अखबार के माध्यम से, जैसे जन चेतना केंद्रों में अखबार आती है, किताबें आती है, वो जन चेतना ज्ञान विज्ञान समिति के द्वारा दी जाती है, उनको पढ़कर और उनको बताकर जो है वो लोगों को उसमें जानकारी मिलती है, तो उससे जो है वो आपस में बैठकर उनकी चर्चा करती हैं। 5 साल की उपलब्धियों पर संतोष था,
गर्व भी था। साक्षरता मिशन ने जब ये चला तो उसमें एक जनरल संवेदनशीलता थी और महिलाओं में संवेदनशीलता पैदा की और उस सेंसिटाइजेशन से जो पढ़ने लिखने का और अपने जीवन के बारे में समस्याओं का समाधान कर पाने का के बारे में एक जनरल सेंसिटाइजेशन हुई जिससे एक अवेयरनेस जनरेट हुई। हमने तो टोटल लिटरेसी यहाँ पे जो कंपेन है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम साक्षरता की लिंकेजेस से हम उनको विकास की ओर लेके जाना चाहते हैं। साक्षरता के इस पौधे को लगातार देखभाल की, इसको विकसित करने की, परिस्थितियां प्रदान करने की और साक्षर समाज की दिशा में सतत प्रयास की जरूरत थी। 1988 से लेकर आज तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एक अभियान के स्तर पर चला हुआ है। हमने देश के दूर दराज इलाकों में यह अभियान चलाया और हमें लोगों का, समाज का बहुत सहयोग मिला। आज हम एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहां हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और इसमें मैं समझता हूं कि देश के सामने असाक्षरता का जो चुनौती है वो सबसे बड़ा है। इसको अगर हम देखना चाहें तो जो हमारे अब तक नवसाक्षर बने हैं उनको हम बाकी जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए किस तरह और मजबूती से प्रस्तुत करें, ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यही सतत शिक्षा की बात आती है कि जब साक्षरता का स्तर एक बेसिक लेवल पे आ जाता है तब आगे क्या। हिमाचल प्रदेश में संपूर्ण साक्षरता और बाद में उत्तर साक्षरता अभियान के परिणाम अन्य प्रदेशों की तुलना में अच्छे रहे हैं, लेकिन सतत शिक्षा कार्यक्रम केवल एक जिले मंडी में ही चल रहा है। मंडी पूरे हिमाचल में एकमात्र जिला है जहां पर साक्षरता के पहले जो कार्यक्रम हैं वो भी बहुत सफलतापूर्वक चले हैं। इसका कारण मैं ये समझता हूं कि मुझे और जिलों में भी सेवा करने का अवसर मिला है कि यहां पर जो हमारी स्वयंसेवी संस्था है वो निश्चित रूप से एक बड़ी जीवन संस्था है और उसने शुरू से ही इस अभियान में लोगों को अपने साथ जोड़ा है। एक और बात जो कि विशेष रूप से मंडी में है वो ये है कि NGO और GO में बहुत अंतर नहीं है, कि प्रशासन और स्वयंसेवी संस्था इस कार्यक्रम में शुरू से एक साथ जुड़ी है। साक्षरता अभियान के प्रथम दो चरण हिमाचल के अन्य 8 जिलों में भी पूरे हो चुके थे, लेकिन सतत शिक्षा कार्यक्रम कहां और क्यों अटका है इन जिलों में? अगर हम हिमाचल की बात लें तो इनकी जो कठिनाई रही है वो ये है कि तीसरे साल के बाद से इन्होंने 50% इनका जो वित्तीय इम्पैक्ट है उसको उनको संभालना पड़ेगा और वो पांचवें साल के बाद यानी छठी साल से लेकर इसका जो पूरा कॉस्ट है उनको बेयर करना पड़ेगा। तो हर एक स्टेट से हम ये भी चाहते थे कि वो कुछ आर्थिक सहायता अपनी तरफ से भी दे कि जब तक वो इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व ना हो और कोई एक फाइनेंशियल कमिटमेंट ना दें तब तक इनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट स्कीम में नहीं आती। 12 जिलों में पोस्ट लिटरेसी कैंपेन चल रहा था जिसमें से 9 में कैंपेन कंप्लीट हो गया है और 1 में कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है और बाकी 3 जिलों से अभी PLC के कंप्लीशन के बाद कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में प्रपोजल आएगी। जिन 8 जिलों से कंटिन्यूइंग एजुकेशन की प्रपोजल प्राप्त हो चुकी है उनको शीघ्र ही राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को प्रेषित किया जाएगा। इस देरी के लिए राज्य सरकार का कहना कुछ भी हो, साक्षरता अभियान से प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं का विचार कुछ और ही है। पिछले 4 वर्ष से जो राज्य साक्षरता परिषद है जो स्टेट लेवल पे इसके लिए एक संस्था गठित की गई है जो स्टेट पे इसका रिव्यू करेगी या उसका मार्गदर्शन करेगी कैसा ये कार्यक्रम चल रहा है, तो पिछले 4 वर्षों से राज्य साक्षरता परिषद की बैठक नहीं हो पाई है। तो वो इस तरह के जो कारण है, उस तरह से पब्लिकली तो किसी ने विरोध नहीं किया कहीं की किसी प्लेटफॉर्म से, मगर इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे कोशिशें रहती है कि इसको जितना सेबोटाइज किया जा सके उसको किया जाए।
मंडी में सतत शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से परियोजना को स्वीकृति मिल जाने के फौरन बाद हो गई। इसके लिए आधार तैयार ही था और कार्यक्रम शुरू होने के 2 वर्ष के भीतर ही जिला साक्षरता समिति ने 2582 सतत शिक्षा केंद्रों तथा 382 नोडल सतत शिक्षा केंद्रों की स्थापना कर ली। इन केंद्रों में कुल मिलाकर लगभग 3000 प्रेरक और नोडल प्रेरक काम कर रहे हैं। इन स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं की संख्या पूर्ण साक्षरता और उत्तर साक्षरता अभियान से कम है। इसका अर्थ ये है कि जो शुरू में जो साक्षरता अभियान का जो प्रथम जिसको पूर्ण साक्षरता चरण माना जाता है, उस दौर का अगर आज के दौर से या आज का जो चरण है या जो सतत शिक्षा कार्यक्रम है उससे अगर हम तुलना करेंगे तो उसमें एक जो जिस स्तर के कार्यकर्ता या जिस संख्या में जो कार्यकर्ता पूर्ण साक्षरता अभियान में थे उतनी संख्या में आज उस तरह से नहीं है। उसकी एक जो वजह मैं समझता हूँ क्योंकि वो उसमें कुछ जो कार्यकर्ता थे वो एक उत्तेजना के नाते इसमें जुड़े थे, पूरे इस कार्यक्रम की जो क्या हासिल करना चाहता है ये कार्यक्रम वो समझ ना होने के कारण तो वो जो कार्यकर्ता थे धीरे धीरे 1 साल के बाद 2 साल के बाद उसमें वो उससे धीरे धीरे हटना शुरू हो गए। ये साक्षरता एक अभियान के रूप में चला, एक सरकारी कार्यक्रम की तरह ना होते हुए इसको अभियान की तरह चलाया गया। और मेरे विचार में अभियान जो है जिसमें लोग जो हैं वो अपने पूरे उत्साह या उत्तेजना से भाग लेते हैं वो एक निश्चित समय तक ही चल सकता है, 6 महीने 9 महीने या 1 वर्ष। हम इस कार्यक्रम को 7-8 साल से चला रहे हैं, सभी जगह चल रहा है ये कार्यक्रम इतने वर्षों से, तो वो वाला उत्साह और वो वाली उत्तेजना और वो वाला कमिटमेंट तो अब नहीं है। और यही मैं अपने साथियों से कहता हूँ कि उस स्तर को अब हमें उसकी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। अब जो हमारा कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें हमें अपने लिए कुछ लक्ष्य उसका निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। जिले का साक्षरता दृश्य परिवर्तित हो चुका था। नव साक्षरों और आम लोगों की सोच और उनकी अपेक्षाओं में बदलाव आ गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की सिफारिशों का अध्ययन करके ये अनुभव किया गया कि सुझाए गए कार्यक्रमों को जिले के मौजूदा हालात के अनुरूप ढालना पड़ेगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने जो दिया है वो 4-5 प्रोग्राम उनको बांट के दिया है, लेकिन जो हम लोगों की समझ है, भारतीय विज्ञान समिति की समझ है, वो तो एक समग्रता की समझ है कि चाहे वो जीवन की गुणवत्ता का कार्यक्रम हो, चाहे वो आमदनी में बढ़ोतरी का कार्यक्रम हो, चाहे वो व्यक्तित्व विकास का कार्यक्रम, ये सारे के सारे कार्यक्रम एक सामाजिक परिवर्तन की ओर ले जाने वाले कार्यक्रम है। तो हम इन सभी कार्यक्रमों को एक ही इसमें देखते हैं और वो है सामाजिक बदलाव, लोगों के सोच में बदलाव, लोगों के रहन सहन में बदलाव और उस परिवर्तन की दिशा में ये सारे कार्यक्रम हम जो है वो सोचते हैं कारगर होंगे। सतत शिक्षा कार्यक्रम को चलाने के लिए मंडी जिला साक्षरता समिति ने अपने सांगठनिक ढांचे में फेरबदल किया। हर स्तर पर स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं, संगठन तथा प्रशासन को पूरी तरह से जोड़ा गया। ये जीओ और एनजीओ की साझेदारी है, तो ऑफिशियली तो उपायुक्त जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं और अतिरिक्त उपायुक्त इसके सह अध्यक्ष हैं और बाकी सब लोग जो हैं वो स्वयंसेवी संस्था से जो मंडी साक्षरता समिति है उसके सदस्य हैं जिला साक्षरता समिति में। इसके अलावा उपमंडल स्तर पे हमने उपमंडल अधिकारी को और खंड स्तर पे हमने खंड विकास अधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में इस कार्यक्रम में जोड़ा है, लेकिन मुख्य रूप से मैं समझता हूँ ये एक स्वयंसेवी संस्था ही है, हम लोग तो सिर्फ सहयोग के लिए उपस्थित हैं। जिला साक्षरता समिति ने खुद अपने तथा ब्लॉक, पंचायत और वार्ड साक्षरता समिति के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। जिला साक्षरता समिति में जैसे हमने नीचे जितने भी वो बनाए हैं नीचे तक जो हमारा ढांचा है साक्षरता का, ब्लॉक, उसके बाद नीचे जो है पंचायत, उसके बाद वार्ड, पर इस ढांचे के बीच में हमारी जो है लगातार एक तरह के संवाद बना रहे और संवाद के माध्यम से जो सूचनाएं हैं वो ऊपर से नीचे तक जाती रहे। इसलिए हमारे जिला में जो है हमारे एक बार सारे इसके वो आते हैं ब्लॉक के जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो आएंगे बातचीत कर वो अपनी बातचीत करेंगे अपनी प्रगति बताए अपनी समस्याएं भी बताएंगे। उसके बाद जब जिला से हम ब्लॉक में जाएंगे
तो ब्लॉक के जो काम करने वाले नीचे वाले पंचायत कोऑर्डिनेटर्स हैं वो वहाँ आएंगे ब्लॉक पर, तो वो अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं और उनको जो ऊपर से निर्देश हैं वो जिला वाले या ब्लॉक वाले उनको नीचे देते हैं, नीचे फिर वो ब्लॉक अपने इस पर जो है पंचायत समन्वयक जो है वो नीचे ये करता है। तो इस तरह से ऊपर से नीचे तक संवाद का एक संवहन जो है वो हम जारी रखे हुए हैं अब तक। जिले के आम हालात ही नहीं बल्कि विभिन्न ब्लॉकों और पंचायतों तथा वार्डों तक के ठोस हालात का ध्यान रखा गया। हर स्तर पर ऐसे कार्यक्रम बनाए तथा लागू किए गए जिनके माध्यम से अधिक लोगों को खासतौर पर महिलाओं को सतत शिक्षा कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सके। एक हमारा थोड़ा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमने रखी है क्योंकि एक टाइप का प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इतनी है, कुछ पंचायतें हमारी बिल्कुल नेशनल हाईवे पे या स्टेट हाईवे पे भी हो सकती हैं और कुछ पंचायतें ऐसी भी हैं जहां आप 10-12 किलोमीटर जाके पहुंच सकते हैं, तो उनको एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है और उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन दूसरी पंचायतों से बड़ी विभिन्न है, तो इस करके हमने उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि हम नीड बेस्ड जो है पंचायत की टिपिकल जो नीड्स हैं वहाँ की उससे हम अपने कार्यक्रम को मैच कर सकें। इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए हर वार्ड अर्थात गांव में जन चेतना केंद्र की स्थापना की गई, ग्रामवासियों को एक मंच दिया गया। हर इस केंद्र में एक लाइब्रेरी बनाई गई, यहां भी पुस्तकों और जिला साक्षरता समिति द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित पाक्षिक जन चेतना और मासिक धार पत्रिका को पढ़ते तथा उन पर विचार विमर्श करते हैं। पौष्टिक आहार में जैसे गर्भवती को हरी सब्जियां। इसके लिए पुस्तकों अलमारी तथा दूसरी चीजों को जिला साक्षरता समिति ने मुहैया कराया। अब तक हमने सी में जो है उनको 54 के करीब टाइटल दिए हैं, इससे पहले कोई ऐसे 35-36 टाइटल पीएलसी में दिए थे, तो लगभग 80-90 के करीब वहाँ छोटी वो किताबें हैं जो अगर वहाँ कोई खोलता ही है कभी ना कभी, क्योंकि उसकी प्रतिक्रियाएं भी आती हैं कि आपने मतलब ये जो कोई प्रश्न अगर कोई शब्द उनको समझ नहीं आता है तो हमसे पूछते हैं कि ये क्या होता है, चिट्ठी लिखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं नीचे वो किताब पढ़ी जा रही है। थोड़े समय में ही ये केंद्र पूरे गांव के चेतना केंद्र बन गए। इन केंद्रों में नव साक्षरों के साथ साथ गांव के लोग महिलाएं पुरुष जुड़ते गए। ये सब लोग महीने में 2 बार एकत्र होकर अपनी समस्याओं पर बातचीत करते और वार्ड पंचायत प्रेरकों ब्लॉक स्तर के समन्वयकों यानी कोऑर्डिनेटर के माध्यम से उनका समाधान कराते। मेरा काम हर जन चेतना केंद्र में महीने की 2 मीटिंग अटेंड करना, वहाँ लोगों की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम उनको सॉल्व करना, वहाँ उन प्रॉब्लमों को पंचायत तक पहुँचाना, ये मेरा कार्य है। पंचायत की में कोई गतिविधियाँ लोगों के प्रति तैयार करना, उनको विकास खंड को जो हमारा साक्षरता कार्यालय है वहाँ तक पहुँचाना, वहाँ हमारी मासिक महीने की 1-2 तारीख को मीटिंग होती है, जो वार्डों में 2:30 से पहले जितनी गतिविधियाँ होती है उन गतिविधियों को मीटिंग में प्रस्तुत करना और जो प्रॉब्लम हमारे अपने द्वारा इन वार्डों में सॉल्व नहीं हो सकती उन प्रॉब्लमों को उनके माध्यम से सॉल्व करना। जैसे गांव में लोगों की कई अनेक प्रॉब्लमें होती है, जैसे छोटे मोटे गांव में झगड़े होते हैं या लोगों को छोटे मोटे कार्य किसी ऑफिस में जाना है उनकी प्रॉब्लम है वहाँ तक पहुँचाना, उन लोगों की समस्याओं को अवसर से तालमेल करके उनका वहाँ समाधान करना, निपटारा करना, ताकि लोग हमारी साक्षरता में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने और जरूरत पड़ने पर उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। स्वयं सहायता समूह का एक सफल उदाहरण दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं, जिनका गठन अनेक गांवों में किया गया है।
हमारी इस क्षेत्र की सोसाइटी सितंबर 1994 में बनी। हम इससे पहले जो दूध था स्थानीय लोगों का, वो नज़दीक के बाज़ार पंडो ले जाते थे, वहाँ जो हमें प्रॉब्लम आती थी, एक तो दूरी बहुत थी और दूसरे दूध का हमें अच्छा दाम नहीं मिलता था। हमने 1994 में महिलाओं ने और कुछ एक जो साक्षरता वाले हमारे यहाँ जब प्रोग्राम चला, उन्होंने मिलके एक ऐसा निर्णय लिया कि जो है हम जो ये दूध है ये जो हम सोसाइटी के माध्यम से जो है सरकार को देंगे। इस प्रकार जो है सितंबर 1994 में जो है सोसाइटी का गठन हुआ। आम लोगों के विकास के मार्ग में जमाने से चले आ रहे अंधविश्वास एक बड़ा रोड़ा रहे हैं। इनको दूर करने के लिए समय समय पर ऐसे आयोजन किए जाते हैं। पूरे जिले में फैले लगभग 3000 केंद्रों में इस तरह के कार्यक्रमों को शुरू करना और उनको चलाए रखने के लिए आम लोगों की जरूरतों और समस्याओं को जानना आवश्यक था। हमने पायलट प्रोजेक्ट भी किया है, स्टार्ट किया है, जिसमें कि हर एक साक्षरता खंड में एक एक पंचायत को चुना गया है और उसमें हम ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। तो वो ज़रूरतें खाली शिक्षा से रिलेटेड भी हो सकती हैं और उनकी दूसरी ज़रूरतें भी हो सकती हैं, सूचना की या प्रशिक्षण की या सीखने, जो उनकी सीखने की ज़रूरतें हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए स्टार्ट किया है। हाल ही में मंडी जिला केंद्र पर ब्लॉक स्तर के समन्वयकों के एक प्रशिक्षण शिविर और कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमने एक शुरुआत की है मंडी जिला के अंदर, मंडी जिला साक्षरता समिति की मदद से, कि जिला के अंदर हम इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग और लर्निंग नीड्स, जो अल्टीमेटली जिस टारगेट ग्रुप के बीच में हम जा रहे हैं उसको ITL जिसे हम बोलते हैं, नीड्स आइडेंटिफिकेशन, उसके लिए एक मेथोडोलॉजी डेवलप करें। तो अभी हमारा एक पहला प्रयास हुआ है 13 ग्राम पंचायत जो मंडी जिला के अंदर है और धीरे धीरे इसे हम 50 ग्राम पंचायत के अंदर उसे रेप्लिकेट करेंगे और उसके बाद पूरी जो हमारी 382 ग्राम पंचायत है एक जिला में। और उसी दौरान हम एक ऐसी मेथोडोलॉजी एक डेवलप करने जा रहे हैं जिसे हर ग्राम पंचायत में पूरे राज्य भर में रेप्लिकेट करके और उसे हम जब राज्य स्तर पर कंसोलिडेट करेंगे, वहाँ से हमें एग्जैक्टली पता लगेगा कि अल्टीमेट जो हमारा टारगेट ग्रुप है उस तक जब हमारा प्रेरक पहुंचना चाहता है, हमारे मास्टर ट्रेनर या स्टेट डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन जब उस ट्रेनिंग को ले जाएंगे तो हमारी क्या आवश्यकता होगी। मंडी में जो अभी हमारा ITL नीड्स के ऊपर जो प्रशिक्षण हुआ है उस पर यही एक स्ट्रेस किया गया कि जो भी हमारे निचले लेवल पे जो लोग रहते हैं ग्रास रूट तक, भाई उनकी समस्याओं का पता करना है कि लोग करना क्या चाहते हैं, लोग अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो उन समस्याओं का पता लगाना और उन समस्याओं का समाधान करवाने के लिए प्रशासन के साथ और जनता या प्रतिनिधियों के साथ तालमेल समन्वय करके उन समस्याओं का निदान करना। सतत शिक्षा कार्यक्रम से जुड़ी गतिविधियाँ लोगों को साक्षर बनाने से बहुत आगे जाती हैं। उनका लक्ष्य महज अक्षर ज्ञान कराना नहीं, नव साक्षरों और थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोगों के ज्ञान और उनकी चेतना का विस्तार करना है। उनको इस दुनिया में दाखिल करना है जिससे वे अब तक अनजान रहे हैं। इसमें राज्य संसाधन केंद्र की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस समय हम हिमाचल में SRC के रोल को समझते हैं कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा एक एडवोकेसी का भी है, एट द पॉलिसी मेकिंग लेवल, स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी लेवल और विभिन्न जिलों में भी, क्योंकि सतत शिक्षा कार्यक्रम के बारे में अभी अधिक जानकारी नहीं है। और दूसरा और महत्वपूर्ण चीज है कि एक हम एक्शन रिसर्च लेवल पे, एक पायलट स्केल लेवल के ऊपर कुछ जगहों पर कंटिन्यूइंग एजुकेशन कार्यक्रम को फील्ड सिचुएशन में करके देखना चाहते हैं। अगर वहाँ पर जो हमारा एक अनुभव होगा वही पूरे अन्य जिलों में, अन्य राज्य के अन्य कॉर्नर्स में वो कार्यक्रम हमारा जा सकता है। लोगों की चेतना के स्तर और उनकी रुचियों तथा जरूरतों के अनुसार उनको किस प्रकार की पठन पाठन सामग्री की आवश्यकता है उसका निर्धारण और निर्माण जिले तथा राज्य संसाधन केंद्र दोनों के स्तर पर किया जाता है। हमारे हर जिला के अंदर जो मटेरियल है उसकी अलग अलग तरह से एक रिक्वायरमेंट रहेगी
और अगर आप एसआरसी के रोल के बारे में देखें तो एसआरसी कुछ ऐसा मटेरियल तैयार करती है जो कि पूरे राज्य के अंदर चलेगा, मगर कुछ ऐसा मटेरियल हमें जिला का जो हमारा रिसोर्स ग्रुप है, एकेडमिक रिसोर्स ग्रुप, उनके साथ मिल करके कुछ मटेरियल बनाना होता है। और कुछ हमारे जिले ऐसे भी हैं जो अपने स्तर पर और उनके अंदर इतनी आत्मनिर्भरता आज है, इतनी कैपेबिलिटी और स्किल है कि वो अपने जिला के संदर्भ में अपना ही प्रशिक्षण मटेरियल और जो हमारा नव साक्षरों के लिए या अन्य कार्यक्रमों के लिए मटेरियल बना रहे हैं। हम जो यहाँ सामग्री अपने इन ग्रामीण पुस्तकालयों के लिए तैयार करते हैं तो हमारा सबसे पहले ये होता है कि उनकी वहाँ ज़रूरत किस चीज़ की है। हमने वहाँ उन चीज़ों को भेजा जैसे दुधारू पशुओं की बारे में जानकारी, घास के बारे में जानकारी, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, जिनके बारे में लोगों को उत्सुकता होती है जानने की और उनके पास सूचनाएँ नहीं होती हैं। पर हमारा वहीं तक कहने कि उनके पास सूचना ही पहुंचाए, हम उनको संस्कृति से भी जोड़ना चाहते हैं। प्रस्ताव, परियोजना, कार्यक्रम, शोध, पठन पाठन सामग्री का चयन, वित्तीय प्रबंधन वगैरह, इन तमाम का निश्चित ही भारी महत्व है सतत शिक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। लेकिन सबसे अधिक महत्व, सबसे अहम भूमिका तो गांव के स्तर पर काम करने वाले स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं की, प्रेरकों की है। क्या प्रावधान किया गया है कि उनका उत्साह लगातार बना रहे? जब एनएलएम की एक बैठक में मैं गया था, वहाँ पर भी चर्चा हो रही थी कि हम 500 देंगे कि 1000 देंगे। मेरे उस वक़्त भी अपने रिजर्वेशंस थे और आज भी अपने रिजर्वेशंस हैं कि आप कल कहीं कार्यक्रम शुरू करें और वहाँ ये कहें कि 1000 रुपये या 500 रुपये आप प्रेरक को देंगे तो इस कार्यक्रम में कम से कम नहीं 50% एडल्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि लोग जुड़ गए हैं और वो इन परिस्थितियों में जुड़े हैं, आज की तारीख में मैं समझता हूँ निश्चित रूप से हमें उनको आर्थिक सहायता देनी चाहिए। जिला मंडी से हमें लिखित रूप में आया था कि जो मतलब अवैतनिक रूप में कार्य कर सकते वो लिख कर दे, जिन्होंने मतलब वेतन लेना वो भी लिख कर दिया। तो हमने मतलब उसमें लिख कर दे दिया था उस साक्षर स्थिति में कि हम अपनी स्वयंसेवी भावना में जितना भी साक्षरता में जुड़े तन मन धन से काम करेंगे, हम अपने स्वयंसेवी के रूप से मतलब इस साक्षरता में जुड़े हुए, पीछे भी जुड़े, आगे भी जुड़े और जुड़ मतलब कार्यक्रम कार्य करते ही रहेंगे।